स्वागत है आपका माइंड मेकर्स पर। मैं हूं धीरज कुमार और आज बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम में जस्ट स्टॉप ऑयल संगठन के प्रदर्शन को लेकर। यूनाइटेड किंगडम में एक ऐसा संगठन है जो कि वातावरण की सुरक्षा को लेकर इस कदर सचेत हो चुका है कि वो सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है और इस संगठन का नाम है जस्ट स्टॉप ऑयल। बहरहाल ये संगठन डार्टफोर्ड क्रॉसिंग के रास्ते को ब्लॉक करके लगातार प्रदर्शन कर रहा है। आपको बता दें, इस संगठन से दो लोग द क्वीन एलिजाबेथ 2 ब्रिज के ऊपर चढ़ गए थे, उसके बाद इस रास्ते को तुरंत बंद करवाया गया था। बताया जा रहा है कि ये दोनों लोग जो इस ब्रिज के ऊपर चढ़े थे, उनकी मांग ये है कि सरकार जल्द से जल्द गैस और ऑयल से संबंधित अपनी नई योजना और पॉलिसी को वापस ले। वहां के नेशनल हाईवे के अधिकारियों की माने तो 17 अक्टूबर को मुख्य ब्रिज रोड को बंद रखने से काफी लंबा ट्रैफिक जाम लग गया था, जिससे कि पीक आवर्स में लोगों को 2 घंटे की देरी झेलनी पड़ी थी। आपको बता दें, इस परिवहन मार्ग में 6 मील तक लंबा जाम लगा हुआ था, जबकि इसकी उल्टी दिशा में करीब 5 मील लंबा ट्रैफिक देखने को मिला है। इस जाम का असर 18 अक्टूबर को भी देखने को मिला था। हालांकि नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने आवागमन करने वाले लोगों को सुझाव दिया था कि वो किसी और रूट के जरिए अपनी यात्रा को संपन्न करें, ताकि उन्हें डार्टफोर्ड क्रॉसिंग में भारी भरकम जाम में ना फंसना पड़े। जबकि वहां के स्थानीय पुलिस अफसरों ने कहा था कि वो इस परेशानी का जल्द से जल्द सुरक्षित उपाय निकालेंगे। जस्ट स्टॉप ऑयल संगठन ने 17 अक्टूबर को एक बयान जारी किया था, जिसमें 39 वर्षीय ब्रिज डिजाइनर इंजीनियर मॉर्गन ट्रॉलैंड ने कहा है कि सरकार ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ावा देकर एक ऐसी सुसाइडल लॉ की स्थापना करने जा रही है जो कि हमारे वातावरण को बर्बाद करने के साथ साथ मानव जाति के जीवन के लिए खतरनाक साबित होगी। और अंततः इस बयान में उनकी यही शर्त रही थी कि जब तक सरकार ऑयल और गैस से संबंधित अपने पॉलिसी को वापस नहीं ले लेती, तब तक उनके मेंबर्स क्वीन एलिजाबेथ 2 ब्रिज के ऊपर चढ़े रहेंगे। आपको बता दें, इस संगठन के 2 प्रदर्शनकारियों ने लंदन के नेशनल गैलरी में वैन गोह के पेंटिंग पर टोमेटो सूप फेंका था। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने न्यू स्कॉटलैंड यार्ड के साइन और एस्टन मार्टिन के शोरूम पर भी स्प्रे पेंटिंग की थी, जबकि कई प्रदर्शनकारी वहां के सुपरमार्केट में घुस गए थे और वहां उन्होंने दूध की बोतलों को खोलकर सारा दूध फर्श पर बहाकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया है। इन प्रदर्शनकारियों ने सरकार के द्वारा जारी किए गए ऑयल और गैस के प्रोडक्शन लाइसेंस को लेकर अपना विरोध अलग अलग माध्यमों से प्रदर्शित किया है। आपको बता दें, डार्टफोर्ड क्रॉसिंग यूनाइटेड किंगडम का काफी व्यस्त रूट माना जाता है, जिसमें लगभग 1,60,000 वाहन रोज चला करते हैं। बहरहाल पुलिस ने इस मामले को लेकर अब तक 470 लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि ये मामला कोर्ट तक भी चला गया था, जहां कोर्ट का फैसला लंदन के यातायात प्रणाली के हित में आया है। हालांकि इस फैसले के तहत जस्ट स्टॉप ऑयल संगठन के सभी प्रदर्शनों के खिलाफ रोक लगाई जाएगी। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।